उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद से ही पार्टी अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव में भी दरार पड़ गई है और अब एक बार फिर शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बयान राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव ने मेरा और मुलायम सिंह का सुझाव माना होता, नेताजी से लेकर समाजवादियों के आदर्शों और विचारों पर चले होते तो आज सत्ता में बैठे होते, वो आज राज्य के मुख्यमंत्री बने होते। शिवपाल के इस बयान में अखिलेश के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी एक बार शिवपाल यादव ने कहा था कि मैं इतना जानता हूं कि अगर मुझे स्टार प्रचारक बना दिया होता तब भी आजमगढ़ में सीट जीत जाते, चाहे मुझे कहीं भी भेजते, वहाँ तो हमारे लोग थे, वहाँ हमारा निरादर किया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में हमारा नाम होता तो ऐसा नहीं होता। चुनाव में मिली हार के बाद से ही शिवपाल यादव अपने बयानों से हार का जिम्मेदार सीधे अखिलेश यादव को ठहरा रही हैं, जिसका कारण चुनाव के समय शिवपाल और उसकी पार्टी को साइडलाइन करना है। बता दें कि इस नाराजगी के चलते शिवपाल यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया है, जबकि अखिलेश यादव ने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन किया है। अब जिस तरह से शिवपाल की नाराजगी बढ़ती जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए मुश्किलें तो खड़ी हो रही हैं, पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव चाचा को मनाने की कोशिश करें।